रामपुर के जंगल में कालू और टूना दो भाई रहते थे। टूना की शादी हो चुकी थी, कालू ने अभी शादी नहीं की थी। कालू, मेरी मौसी की बेटी शादी करने लायक हो गई है, बहुत अच्छी चिड़िया है, तुम्हारे साथ उसका शादी करा दें। अरे भाभी, आप तो हमेशा शादी की बात ही करती है, हो जाएगी शादी वादी, अभी इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ा हो जाएगा फिर हमसे मत कहना। मेरे स्मार्ट भाई को स्मार्ट पत्नी ही चाहिए। चलो कालू, खेत जाने का समय हो गया है। टूना और कालू अंगूर की खेती किया करते थे। दोनों बड़ी मेहनत से खेत जोतते, खेत में पानी डालते, फिर बीज बोते। एक दो महीने इस तरह मेहनत करने के बाद खेत में अंगूर की फसल आ जाती। टूना की पत्नी टूनी खेत पर खाना लेकर जाती थी। भाभी, मेहनत करने के बाद आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद शादी के लायक हो गई है, शादी करोगे उससे तो बताओ? लगता है आप मेरा शादी कराए बिना नहीं मानेंगी। लेकिन आपको चिड़िया ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने अपने लिए चिड़िया देख ली है। कालू अपनी पसंद की चिड़िया से शादी कर लेता है। एक दिन टूना अंगूरों को इकट्ठा करके बाजार में ले जाता है और अंगूर बेचकर पैसे घर ले आता है। अरे कालू, इस बार अंगूर का अच्छे दाम मिले हैं, पूरे 50,000 के बिके हैं, ये ले 25,000। कालू पैसे लेकर पैसे अपनी पत्नी गोरी कवी को दे देता है। लो गोरी पैसे, तिजोरी में संभाल कर रख दो। कितने रुपए दिए हैं आपके भाई ने, पहले गिन तो लो। ये कैसी बातें कर रही हो गोरी, 25,000 है, टूना भैया ने दिए हैं तो इसे गिनने की क्या जरूरत? जरूरी है, तुम नहीं गिनोगे तो मैं गिनूंगी। और 25,000 क्यों दिए हैं? आपको उनके साथ बाजार जाना चाहिए था। 80,000 से कम में अंगूर नहीं बिके होंगे, 55,000 उन्होंने खुद रख लिए होंगे और 25,000 तुम्हें पकड़ा दिए। ऐसा नहीं है गोरी, टूना भैया बहुत ईमानदार है। ईमानदारी नहीं है बल्कि तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। गोरी कौवी कालू को टूना के खिलाफ भड़का देती है। कालू गोरी की बातों में आ जाता है, वो गुस्से में टूना के पास चला जाता है। टूना भैया, मुझे अंगूर का हिसाब चाहिए और आज से आधा खेत आपका और आधा खेत मेरा, दोनों अलग अलग खेती करेंगे और आप अलग अलग ही रहेंगे। क्या बात है भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? बस मुझे अंगूर का हिसाब दे दीजिए, मुझे बहस नहीं करना आपसे, बस मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। ऐसा बोल के कालू अपने भाई से अलग रहने लग जाता है। अगले साल से कालू अपनी खेती अलग करता है और टूना अलग। टूना हल से खेत जोतता है तो कालू ट्रैक्टर से जोतता है। टूना कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और कालू पंप से सिंचाई करता है। टूना गोबर खाद का उपयोग करता है तो इधर कालू रासायनिक खाद का उपयोग करता है और अपने खेत में जमकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। टूना के खेत में बहुत अच्छा फसल होता है, टूना के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, जबकि कालू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। रात को कालू अपनी पत्नी गोरी से कहता है, टूना भैया का अंगूर कितना बढ़िया हुआ है और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने टूना भैया से अलग होकर अपना ही नुकसान कर लिया। गोरी कालू कौवे की बातें सुनकर चिढ़ जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो गोरी मिट्टी का तेल लेकर टूना के खेत में जाती है और टूना का पूरा खेत जलाकर राख कर देती है। आप देखती हो टूना अंगूर कैसे बेचता है। अगले
अगले दिन जब टूना खेत पर पहुंचता है तो जली हुई फसल को देखकर टूना बहुत रोता है। टूना फिर भी कालू और गोरी पर शक नहीं करता। ये क्या हो गया? हमारे खेत को किसने चला दिया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे नहीं पता टूनी, कौन इतना बड़ा दुश्मन बन गया है हमारा, हमारे पीठ पीछे इतना निछरकत किया है। कहीं ये काम कालू और उसकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं, कालू मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता और ना ही किसी को करने देगा। टूना उदास मन से उल्लू बाबा के पास जाता है। आओ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो और उदास क्यों हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने चला दी, समझ नहीं आ रहा मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। चिंता मत करो बेटा, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। फिर टूना अपने घर लौट आता है। वो देखता है उसके छत में एक अंगूर की बेल लटक रही है। ये अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है, खींच कर देखता हूँ। टूना उस बेल को पकड़कर नीचे खींचने लगता है। खींचने पर अंगूर का बेल लंबी होती जाती है। अरे टूनी सुनो तो, जल्दी जल्दी आओ, ये देखो अंगूर की बेल। अरे ये बेल कहाँ से आ गई? पता नहीं, पर इस अंगूर के बेल को जितना खींचो उतनी लंबी होते जा रही है। एक काम करते हैं, इसके अंगूर को तोड़ लेते हैं। टूना और टूनी अंगूर की बेल से अंगूर तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं। आप इतने अंगूर बाजार में जाकर बेचाओ, तब तक मैं बेल खींच खींच कर अंगूर तोड़ लेती हूँ। जादुई अंगूर बेचकर टूना को बहुत फायदा होता है। वो अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे खाने पीने की सामान लेकर आता है। उधर कालू भी अपने अंगूर बाजार में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई ग्राहक नहीं खरीदते। ये क्या, मेरे अंगूर तो कोई नहीं खरीद रहा, अब मुझे तो इस अंगूर को बोने का लागत भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? परेशान होकर कालू सारे अंगूर फेंक कर घर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। तभी गोरी बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मैंने ही टूना का खेत जलाया, मैं लालच में आ गई थी, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। माफी मुझसे नहीं, टूना भैया से मांगो, उन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा और तुमने उसके साथ ऐसा किया। शाम को जब टूना और टूनी खाना खा रहे होते हैं, तभी कालू और गोरी उसके घर पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दीजिए टूना भैया, मैंने ही आपकी फसल चलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं कालू, कभी कभी छोटों से गलती हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, अब से हम सब मिलकर ही रहेंगे। इस तरह से अब फिर से चारों मिलकर अंगूर की खेती करने लग जाते हैं। गोरी भी कालू का पूरा साथ देती है और अब चारों खुशी खुशी रहते हैं। रामपुर नामक एक जंगल में टूना नाम का एक गरीब किसान रहता था। टूना के पास जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह तरह तरह की सब्जी उगाकर बेचा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी टूनी थी। टूनी एक बहुत ही सीधी साधी और सुलझी हुई चिड़िया थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वह कभी भी अपने दर पर आए मजबूर पक्षियों को खाली हाथ नहीं भेजती थी। उससे जो बन पड़ता था वो दान दक्षिणा देती थी। टूनी, गर्मियों की सीजन की सब्जियां अब तो खत्म होने पर आई है, सोच रहा हूँ कि उसे जल्दी से तोड़कर बेचकर सर्दियों के लिए कुछ लगा लूं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा फसल है जिससे ज्यादा मुनाफा हो। आपका काम है आप ही देख लो, मैं तो बस इतना जानती हूँ
कि गाजर, मूली, शलजम ये सब लगाने से जमीन से सिर्फ एक एक निकलती है। कोई ऐसी फसल सोचो ना जिससे ढेर सारा मुनाफा हो जाए। क्या बात है टूनी, इस बार तो मैं और तू एक जैसे ही सोच रहे हैं। इसका मतलब भगवान भी चाहता है कि हम कोई ऐसी फसल डालें अपने खेत में जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। मुझे लगता है कि हम लोग को मटर की खेती करनी चाहिए। जब तक मटर हरे होंगे वो भी बिक जाएंगे, और अगर पक गए तो दाल के रूप में हम घर में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मैं इस बार हरे मटर की खेती करता हूँ। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और बाहर से आवाज आई, अलक निरंजन। लगता है कोई साधु आए हैं। आप रुको, मैं कुछ दान दक्षिणा करके आती हूँ। टूनी चावल के दाने लेकर बाहर जाती है और साधु को चावल दे देती है। जीती रहो चिड़िया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुनो चिड़िया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या तुम इस भूखे को भोजन करा दोगी? हाँ हाँ साधु जी, क्यों नहीं। टूनी तुरंत अंदर जाती है और बने हुए खाने से भोजन निकालकर साधु को खाने के लिए देती है। खाना खाकर वो साधु टूनी को चार मटर के दाने देता है। ये देख टूनी हैरान हो जाती है। जब किसी की किस्मत चमकनी हो तो एक चुटकी राख ही काफी है। जा बेटी जा, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और वो चार मटर के दाने लेकर टूनी टूना के पास आती है। देखो तो, साधु महाराज ने मुझे चार मटर के दाने दिए हैं। क्या उन्हें पता चल गया था कि हम मटर की खेती करने का सोच रहे हैं? लगता है ये हमारे लिए शुभ संकेत है। चलो भाई, ये अच्छा हुआ, मुझे याद दिलाना। जब खेती शुरू करूँगा तो सबसे पहले ये चार दाने ही डालूँगा। क्या पता साधु महाराज जी की कृपा से सब सही हो जाए। ये कहकर टूना अपने खेतों की तरफ निकल जाता है और गर्मियों की सब्जियों को निकाल देता है और खेतों का जुताई करके उन्हें अगली फसल के लिए तैयार कर लेता है। क्यों टूना, बड़ी जल्दी फसल निकाल दी, लगता है कोई नई फसल की तैयारी में लगे हो। बिल्कुल सही समझे कालू, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मटर की खेती करूँ। गाजर मूली तो हर साल ही लगा लेता हूँ। ये भी सही है, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार गाजर का ही फसल लगाऊंगा। दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन टूना टूनी से वो चार मटर के दाने लाता है और मटर के बीज भी। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा रखना, जमीन में बीज डालने जा रहा हूँ। ये कहकर टूना अपने खेतों में वो पहली चार मटर के दाने डालता है और फिर बाकी मटर के दाने को डालता है। वो मटर को बोकर घर आ जाता है। चलो, आज का काम तो निपट गया, थोड़े दिनों में पौधे निकल आएंगे तो उसके बाद काम बढ़ जाएगा। इस बार अगर फसल अच्छी हो गई तो घर का मरम्मत करवा लूँगा और तेरे लिए आंगन में एक गाय भी बांध दूँगा। हाँ, गाय तो मुझे चाहिए। गाय के बहाने मेरे पूरे दिन का समय भी बीत जाएगा और घर में दूध भी आ जाएगा। दोनों पति पत्नी अपने नए फसल को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं। अगले दिन टूना जब अपने खेत में जाता है तो देखता है कि उसके खेत में पौधे निकल आए हैं। बाप रे बाप, ये कैसा चमत्कार है, भला इतनी जल्दी पौधे निकल आए। पौधे निकलने में कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। उस दुकानदार ने मुझे अच्छे बीज दिए थे ना। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, भला इतनी जल्दी कोई बीज से पौधे निकलता है क्या? तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे, कौन सा चमत्कारी बीज को डाल दिया टूना तूने अपने खेतों में? कल ही तो तू बीज डाल रहा था और आज देखो तो तुम्हारे खेत में कैसे फसल लहरा रहे हैं। मुझे भी बताओ, तुमने बीज कहाँ से लेकर आए हो? मैं भी अपने खेतों में मटर लगा लेता हूँ। कसम से कालू भाई, मैं भी अभी यही सोच रहा था।
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बीज अच्छे तो है ना? भला इतनी जल्दी भी किसी बीज से पौधे निकलते हैं? क्या गड़बड़ होगी, भला देखो तो कितने सुंदर पौधे लगे हैं। तुम खामखा चिंता कर रहे हो। लेकिन टूना सच में चिंता कर रहा था। उसने आज तक खेती ही की थी और इतनी जल्दी बीजों से पौधे निकलते कभी नहीं देखा था। वो घर जाकर ये सब बात टूनी को बता देता है। इतना क्यों घबरा रहे हो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अगले दिन टूना और टूनी अपने खेत में आते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। खेत के सारे पौधों में ताजी ताजी मटर लगे हुए थे, वो भी हरी हरी दानों से भरे हुए मटर। आसपास के किसान भी बड़े ही हैरान थे कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है टूना के खेत में कि ये फसल दो दिन में तैयार हो गई। टूना और टूनी दोनों मिलकर सारे फसल में से मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बोरी में भरकर बाजार में बेच देते हैं। बाजार में मटर की अगेती फसल को देखकर कुछ व्यापारी मटर की फसल को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर में ये ऊंचे दाम में बिक जाएंगे और टूना को भी अच्छे दाम दे देते हैं। और अच्छे दाम मिलने पर टूना भी बहुत खुश था। टूनी देख तो कैसा चमत्कार है, फसल कितनी अच्छी हुई है और दाम भी मुँह मांगे मिले हैं। पर न जाने समझ नहीं आ रहा, मैं ज़्यादा खुश हूँ कि संतोष करूँ। हमें संतोष से काम करना चाहिए, बाकी का मटर हम सुबह तोड़ लेंगे। लगता है इस बार आंगन में गाय जरूर बन जाएंगी। अगले दिन सुबह टूना और टूनी अपने बचे हुए मटर को तोड़ने के लिए जैसे ही अपने खेतों में जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कल की टूटी हुई मटरों की जगह और मटर निकल आई थी और पूरा खेत मटर की फसल से लहरा रहा था। वो दोनों मिलकर सारे मटर तोड़ लेते हैं। तभी टूनी एक पौधे के पास जाकर उसे देखते हुए बोलती है, सुनो जी, देखो तो सब पौधे एक जैसे हैं, लेकिन ये चार पौधे अलग कैसे हैं? देखो तो इन पौधों के पत्ते कितने चमकदार हैं। अरे हाँ, मेरा ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं। सच में इसके पत्ते और पत्तों से ज्यादा बड़े और चमकीले हैं। टूनी उन पर लगी हुई मटर को तोड़कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके अंदर छोटे छोटे मटर के दाने के जैसे चमकदार पत्थर थे। उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सब तरफ रोशनी हो जाती है। ये तो पत्थर है, देखो तो कितना चमकदार पत्थर है। ये पत्थर तो काफी कीमती नजर आ रहे हैं। हमें इसे सोनार के पास ले जाना चाहिए। खेतों से काम खत्म करके टूनी और टूना सोनार के पास जाते हैं। सोनार उन कीमती पत्थर को देखने के बाद बोलता है कि ये तो बहुत महंगा पन्ना पत्थर है, ये तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का पन्ना है। टूना और टूनी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद उस पन्ने को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे वह अपना घर अच्छा करा लेता है, आंगन में दो गाय भी बांध लेते हैं। और उधर खेतों में लगी हुई मटर को तोड़ने के बाद अगले दिन वापस उतने ही सारे फिर से मटर हो जाती थी, जिसे टूना मंडी में बेचकर वहां से अच्छे दाम उठा लेता। ये सब उन साधु महाराज जी की कृपा से हुआ है। भगवान करे वो एक बार फिर से आए तो मैं उन्हें धन्यवाद दूं। हाँ टूनी, ये सब कुछ उन्हीं की कृपा से हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा था। टूनी, मैं क्या सोच रहा था कि जिस प्रकार उन साधु महाराज की कृपा से हमारे दिन इतने अच्छे हो गए हैं, हमारे पास अच्छा घर भी हो गया है, हम क्यों ना गरीबों की मदद करें? बिल्कुल, हमें करनी ही चाहिए। खुशियाँ तो सबके साथ मिलकर ही बांटनी चाहिए। अगले दिन टूनी और टूना गरीबों को खाने और कपड़े बांटे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, भगवान की कृपा से तुम्हारे आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे।
कभी भी किसी चीज की आपको जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए मेरे पास आ जाना। भगवान तुम्हारी भलाई का तुम्हें अच्छा फल जरूर देगा। ये सुन टूनी बहुत खुश हुई। उन्हें समझ आया कि खुशियाँ बांटने से और बढ़ती है। और इसी तरह टूनी और टूना जंगल के सभी पक्षियों की मदद करते हैं। और एक साल बाद उसके यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म होता है। अब दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।